There was definitely a lot of angst जो मुझे feel हुआ. एक point आ गया था जहाँ पे विनीता बोली जा रही थी 10 बार सेम चीज कि ठीक है मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं है पर मुझे मौका तो दो बोलने का, इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास. मुश्किल था मेरे लिए वहां पे अपना रोना कंट्रोल करना एक पॉइंट के बाद, और मुझे बस भागना था शार्क टैंक से कि मैं नेशनल टेलीविजन पे रोना दूं. जब हम इतने टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, फेस योगा के मैंने इतने सारे डेवलप कर दिए एक्सरसाइजेस, बट उसके बाद में मुझसे डिफरेंशिएटर मांगा जा रहा है. मैं पूछती हूँ विनीता से एक लिपस्टिक बेचने में क्या डिफरेंशिएटर है.